सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल अगेन। तो भाई आज हमारे साथ है हस्कवर्ना स्वाट पिलियन, एंड भाई आज हम डिटेल में बात करेंगे इस गाड़ी में हमें क्या कुछ मिलता है। एंड भाई लुक की अगर बात करें ना, ये गाड़ी काफी ज्यादा डिसेंट लुक के साथ आती है, मतलब रेट्रो और स्पोर्ट्स लुक का जो कॉम्बिनेशन है ना वो काफी ज्यादा जबरदस्त यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। एंड अगर प्राइस पॉइंट की बात करें तो ये गाड़ी आपको मिलता है 2.50 लाख के एक्स शोरूम एंड 2.72 लाख ऑन रोड रीवा मध्य प्रदेश। एंड अगर सिर्फ लुक्स की बात करें ना, इस सेगमेंट में कोई भी ऐसी गाड़ी नहीं है जो इससे ज़्यादा प्यारी लगती हो, चाहे रेयर से हो या साइड से हो या फ्रंट से हो। इस गाड़ी में सब कुछ है जो इस गाड़ी को सबसे बेस्ट एंड सबसे अलग दिखाता है। तो चलिए देखते हैं इस गाड़ी में हमें क्या कुछ मिलता है। तो सबसे पहले अगर हम फ्रंट्स की बात करें भाई, तो फ्रंट में काफ़ी ज़्यादा बोल्ड साइज का लुक देखने को आपको मिलेगा। एंड यहाँ पे आपको राउंड शेप में LED DRS मिलते हैं विथ हस्कवर्ना की बैचिंग। एंड मैं इसकी लाइट भी आपको चालू करके दिखा देता हूँ, तब आपको समझ में आएगा कि हाँ भाई सामने से गाड़ी कितनी ज़्यादा प्यारी लगती है। ये आपकी जल्दी इसके इंडिकेटर्स, यहाँ पे आपको LED सेटअप के इंडिकेटर्स भी मिलते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे जो DRLs है ना वो भी आपको LED में मिलते हैं, एंड जिनका लुक काफ़ी ज़्यादा बोल्ड और काफ़ी ज़्यादा एलिगेंट देखने को मिलता है। मतलब फ्रंट से किसी भी तरीके की इस गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं है। साथ ही साथ उस बार अगर हम नीचे की बात करें तो यहाँ पे आपको 43mm के बिग पिस्टन USD फोक्स यहाँ पे आपको मिलते हैं विथ 110mm के टायर सेक्शन के साथ। एंड रही बात इंचेस की, तो वो है 17 इंच के इसमें अलॉय आपको देखने को मिलते हैं विथ ग्लॉसी फिनिश। बाइक देखने में मतलब काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लगता है, बहुत ही अच्छी तरीके से इसका ग्लॉस दिया गया है। इसमें आपको 330mm के फ्रंट डिस्क मिल जाते हैं, एंड भाई लुक्स काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त हैं इस गाड़ी के। साथ ही साथ आपको यहाँ पे रेडिएटर भी मिल जाता है, एंड यहाँ पे जो साइड प्रोफाइल है ना वो काफ़ी ज़्यादा लुक को और ज़्यादा एनहेंस कर देती है। एंड यहाँ पे जो हल्का सा ट्रीटमेंट दिया गया है ना नियॉन कलर का, एंड वो इसको और अच्छी तरीके से हाईलाइट कर देता है। यहाँ पे आपको एग्जॉस्ट मिल जाता है, एंड भाई एक चीज़ बोलूँगा, एग्जॉस्ट के मामले में ये गाड़ी TVS से अच्छी है। एंड आपको भी पता है ये गाड़ी नेकेड है, तो भाई नेकेड के हिसाब से ये गाड़ी वन ऑफ द बेस्ट लुक के साथ ये गाड़ी आती है अपने पूरे सेगमेंट में। अगर रियर प्रोफाइल की बात करें तो यहाँ पे आपको मोनोसक सस्पेंशन मिल जाते हैं, वो भी एडजस्टेबल, एंड साथ ही साथ इसका परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा अच्छा है पैचेस में एंड हल्के फुल्के गड्ढों में। रियर साइड में आपको यहाँ पे LED टेल लैंप्स मिल जाता है विथ LED इंडिकेटर्स, एंड नीचे में यहाँ पे आपको टायर हगर मिल जाता है विद नंबर प्लेट के प्लेसमेंट के साथ, जो कि लुक्स को रियर से और ज़्यादा एनहेंस कर देता है। एंड टायर भाई अच्छे खासे चौड़े टायर्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। अगर सेक्शंस की बात करें, यहाँ पे आपको 150mm के रियर टायर सेक्शंस मिलते हैं विद 17 इंच एलॉयस। एंड यहाँ पे जो डिस्क यूज़ किया गया ना वो है 250mm का डिस्क। एंड भाई टायर काफ़ी ज़्यादा चौड़े, मतलब कि ऑफ रोडिंग के हिसाब से देखें तो काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त टायर यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। एंड भाई अगर एग्जॉस्ट की बात करें तो आए हाय है, मतलब कि सबसे बेस्ट एग्जॉस्ट इस सेगमेंट में 250cc में इस गाड़ी में ही आपको मिलेगा। काफ़ी अच्छी फिनिशिंग दी गई है, एंड बढ़िया कॉम्पैक्ट साइज में आपको देखने को मिलेगा। सीट्स की अगर बात करें, यहाँ पे आपको स्पीड सीट देखने मिलेगी, लेकिन लगभग एकदम बराबर है, सीट्स काफ़ी ज़्यादा मोटी नहीं है। एंड यहाँ पे आपको टायर ग्रैब्स भी मिल जाएंगे, यहाँ पे आप कोई भी सामान रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आपको 9 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल जाती है, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं है मेरे हिसाब से। एंड भाई लुक्स हमेशा बोलता आया हूँ, विटलिन बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त लगती है। अब इसकी चाबी मैं आपको दिखाता हूँ, चाबी कुछ ऐसी आपको देखने को मिलेगी। एंड भाई उसके आगे की अगर बात करें ना, कि यहाँ पे इसके जो ऑडोमीटर है वो कैसा आपको देखने को, यहाँ पे आपको राउंड शेप में यहाँ पे आपको डिजिटल ऑडोमीटर देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको सारी की सारी जानकारी यहाँ पे मिल जाएगी, ये आपको LCD पैनल में यहाँ पे देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको स्विचेस मिल जाएंगे, जिससे आप सारी की सारी जानकारी उसको दबा के आप देख सकते हो कि हमारा कितना, हमारी लास्ट ट्रिप थी क्या है, कैसा था, हर एक चीज़ जानकारी आपको यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। एंड अगर भाई स्विचेस की कंपैरेटिवली दिया देखा जाए तो स्विचेस यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम है, मतलब किसी भी तरीके की वहाँ पे कोई भी कमी नहीं है। यहाँ पे आपको कुल स्विच और हॉर्न के भी स्विच मिल जाते हैं। एक आपको हॉर्न सुना के दिखा देता हूँ, हॉर्न आपको कुछ ऐसा यहाँ पे सुनने को मिलेगा, काफ़ी डिसेंट सा, बहुत ज़्यादा हैवी नहीं है, लेकिन हाँ अच्छा है। अगर इंजन स्पेक्स की बात करें, इसमें वही इंजन मिलता है जो आपको KTM ड्यूक 250 में मिलता है। यहाँ पे आपको 248cc का लिक्विड कूल इंजन मिलता है, जो प्रोड्यूस करता है अराउंड 30 PS की पावर एंड 24 Nm का टॉर्क। मतलब पावर फिगर की बात करें ना, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा पावर मिल जाता है। बस मेरे को एक ही कमी है इसमें, जो इसकी थोड़ी सी प्राइस ज़्यादा है, एंड दूसरी चीज़ इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो थोड़ी सी कम है। अब आप इसका एग्जॉस्ट नोट सुनो, जो कि TVS से कहीं ज़्यादा बेहतर है। TVS को सीखना चाहिए कि एग्जॉस्ट नोट कैसे दिया जाता है।
अब हम बात करते हैं थोड़ी सी डिसएडवांटेज की जो इस गाड़ी के साथ आपको मिलते हैं। पहला डिसएडवांटेज, इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है काफ़ी ज़्यादा छोटा है, मतलब इसमें आपको 145 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है। जब आप इसमें दो आदमी बैठ जाओगे ना तो नीचे कहीं ना कहीं वो टच हो ही जाएगी। दूसरा, इसका जो पिलियन सीट है ना उसमें स्पेस बहुत कम है, तो मतलब अगर मोटा ताजा आदमी बैठ गया ना तो उसके लिए स्पेस वहाँ पर बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगा। एक ये दो तीन इसके डिसएडवांटेज हैं, बाकी तो कुछ नहीं। बाकी गाड़ी बहुत प्यारी लगती है देखने में, फ्रंट से, रेयर से, साइड से, हर एक तरीके से। मतलब आप इसको एक बार देखोगे ना तो मुड़ के जरूर देखोगे, इसकी गारंटी है। एंड तीसरा, अगर मैं बोलूँ तो इसमें इसकी जो प्राइस है ना वो थोड़ी सी ज्यादा है। अगर वो 2.5 लाख के अंदर अंदर ये गाड़ी आ जाती ना तो बहुत ज्यादा अच्छा हो जाता। भाई आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, एंड और कौन से पॉइंट है जो मेरे से छूट गए हैं। तो भाई लास्ट ये बोलूँगा, अगर आपकी वीडियो पसंद आता मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब। टिल देन टेक केयर, बाय।